हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई, जिस बात का डर था वही हुआ। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम को पोस्टपोन कर दिया गया है। नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन राधे श्याम के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म अब 14 जनवरी को नहीं रिलीज होगी कोविड की वजह से। जी हाँ, कोविड की वजह से एक बार फिर से फिल्मों की रिलीज डेट पोस्टपोन होने लगी हैं। कई बड़ी फिल्में पोस्टपोन हो चुकी हैं और कई आने वाली फिल्मों पर भी संकट के बादल घूम रहे हैं। तो राधे श्याम के मेकर्स ने भी अपनी इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि खबर ये भी आ रही थी कि राधे श्याम को कुछ OTT प्लेटफॉर्म ने ऑफर किया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई किसी भी बात का विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सारी गलत सलत खबरें फैल रही हैं। तो आज राधे श्याम के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म अब 14 जनवरी को नहीं रिलीज होगी। OTT के बारे में तो कोई अपडेट दिया ही नहीं है। तो देखते हैं फिल्म की अगली रिलीज डेट कब तक अनाउंस की जाती है। जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है। वली माई के मेकर्स अभी भी अपने रिलीज डेट पर बने हुए हैं। अभी तक फिल्म का हिंदी ट्रेलर नहीं आया है और ना ही फिल्म के पोस्टपोन के बारे में कुछ कहा गया है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म भी पोस्टपोन हो सकती है। तो वली माई के बारे में जैसे ही अपडेट आएगा, हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे। एक और फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया है। दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म गहराइयां अब 11 फरवरी को रिलीज होगी। पहले ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 11 फरवरी को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। और जैसा कि कल हमने आपको अपडेट किया था कि पुष्पा फिल्म 7 जनवरी को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी, तो जी हाँ, आज Amazon प्राइम ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म 7 जनवरी को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। हिंदी डब को लेकर Amazon प्राइम ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि फिल्म के हिंदी डब को कब तक रिलीज किया जाएगा। क्या अभी पुष्पा के हिंदी डब को आने में टाइम लगेगा या फिर इसे गोल्ड माइन पर रिलीज किया जाएगा। अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिल्म के हिंदी डब का अपडेट आने वाला है। मुझे पता है काफी लोग हिंदी डब का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। प्रभास अपकमिंग फिल्म स्प्रिट में पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कंफर्म किया है कि फिल्म में प्रभास कॉप की भूमिका में नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब प्रभास किसी फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज तक हमने प्रभास को इस रोल में नहीं देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जी स्टूडियो ने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ये एक स्पाई थ्रिलर ड्रामा होगी जिसमें अपार शक्ति खुराना और इश्वक सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। इस नए प्रोजेक्ट को अतुल सभरवाल डायरेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़ी अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आती है, हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे। इमरान हाशमी अगले हफ्ते सलमान खान के साथ Tiger 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। खबर आ रही है कि यहाँ पर फिल्म के एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। जी हाँ, तो देखते हैं फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। धमाका की जोरदार सफलता के बाद इन दिनों कार्तिक आर्यन अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग कर रहे हैं। जैसा कि अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म अला वेंकुत्ता पुरामलु की रिमेक होगी। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा है कि इस फिल्म में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और ये फिल्म पूरी तरह से एक अलग फिल्म का एहसास देगी। जी हाँ, शहजादा फिल्म पूरी तरह से रिमेक नहीं होगी, तो देखना होगा इस फिल्म में कितने बदलाव देखने को मिलते हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि कुछ अच्छा करने के चक्कर में सब गलत हो जाए। तो देखते हैं फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। आइस एज फिल्म सीरीज की अगली फिल्म दी आइस एज एडवेंचर ऑफ बक वाइल्ड का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। ट्रेलर कॉमेडी से भरा हुआ है, तो देखते हैं कि फिल्म कैसी जाती है। इस फिल्म को 28 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।